अगर आप कर रहे हैं एनआईएस से डीएलएड और कम समय में आसानी से करना चाहते हैं कोर्स 504 और कोर्स 505 की तैयारी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाएं और अनएकेडमी पे दीपक हिमांशु चैनल को फॉलो करें और जितने भी यहां पर कोर्सेज डाले गए हैं 504 और 505 के पूरे कोर्स उसे आप देखें और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स 504 और 505 के पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट और देख सकते हैं। अभी की जो बड़ी अपडेट है बेसिकली वो यहां पर एनआईएस से निकल के आई है एक ऑफिशियल नोटिस, जिसमें कि यहां पर आपके एग्ज़ाम को लेकर, आपके थ्योरी एग्ज़ाम को, जो सेकेंड एग्ज़ाम का थ्योरी एग्ज़ाम है उसको लेकर यहां पर एक नई नोटिस आई है, जो कि यहां पर आप ये कह सकते हैं कि डेट तो का पूरी तरीके से फिक्स हो ही गया है और उसके आगे की नोटिफिकेशन यहां पर आ चुकी है। यहां पर अगर आप देखिए तो ये बेसिकली सेंटर सुपरिटेंडेंट को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज सेंटर सुपरिटेंडेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ सेकेंड डीएलएड थ्योरी एग्जामिनेशन। तो उनको क्या क्या यहां पर निर्देश दिया गया है वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई है कि द सेंटर मेटेरियल आंसर बुक गाइडलाइंस एंड सेंटर एडवांस हैव ऑलरेडी बीन सेंड टू द इंस्टीट्यूशन। तो आपका आंसर बुक ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है और उसके बाद जो भी गाइडलाइन है या जो एडवांस उनका रकम है, मनी है, वो सारा कुछ सेंड कर दिया गया है और एज वेल एज सील्ड क्वेश्चन पेपर पैकेट डिस्पैच टू द डीएम ऑफिस। तो क्वेश्चन पेपर भी आपका डिस्पैच हो गया है, विच में बी मे प्लीज टू कन्फर्म ऑन इट्स रिसिप्ट। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भेज, एक्चुअली आंसर बुक और गाइडलाइंस ये सब सेंटर पे भेज दिया गया है और क्वेश्चन बुक डीएम ऑफिस में भेज दिया गया है। द अदर सेंटर मटेरियल लाइक सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस सीट एंड फोटो नॉमिनल रोल्स विल बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन वेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर इट्स डाउनलोडिंग एंड यूज। तो बाकी जो अटेंडेंस सीट वगैरह होगी वो सब चीज़ें भेजी जाएगी। द एनआईएस विल प्रोवाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो सेंटर सुपरिटेंडेंट को ईमेल मिलेगा। तो मेनली बात जो इस लाइन से निकल के आई कि आपका क्वेश्चन ऑलरेडी, आपका जो क्वेश्चन पेपर है सेकेंड एग्जाम का, वो डीएम ऑफिस में पहुंच चुका है और आंसर बुक गाइडलाइंस वगैरह सेंटर सुपरिटेंडेंट को पहुंच चुकी है। डेट सीट सिटिंग प्लान एंड डायरेक्शन फॉर लर्नर्स आर डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर्स। तो इस बार भी आपका जो डेट सीट होगा, सिटिंग प्लान होगा, वो सारा कुछ एग्जाम हॉल के बाहर आपको दिखेगा। और चूंकि आप लोग एक बार एग्जाम दे चुके हैं तो बाकी जो भी इनके गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, वहाँ से आप परिचित होंगे। तो वो सारे रूल्स जो है यहाँ पर आप जो है सेम ही है जो रूल्स आपका पहली बार था और इन्विजिलेटर को भी वही बात बोला जा रहा है। एग्जामिनेशन हॉल आर टू बी ओपन 15 मिनट बिफोर द टाइम टू ईच डे। तो 15 मिनट पहले हर दिन यहाँ पर खुलेगा, लेकिन जो पहला दिन होगा उस दिन यहाँ पर नो लर्नर हु इज लेट बाय मोर देन 30 मिनट शुड बी अलाउड। सो 15 मिनट पहले से वो खुल जाएगा, तो लेकिन 30 मिनट बाद अगर आप आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये सब सेम रूल है जो पहले बार भी था। द क्वेश्चन पेपर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द प्रीसिस टाइम गिवन इन द डेट सीट। तो जो भी टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। द क्वेश्चन पेपर आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ सेट्स ए बी एंड सी फॉर ईच पैकेट। तो तीन पैटर्न इस बार भी है, ए बी और सी तीन पैकेट में है। द थ्री सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आर बींग यूज इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन। हेंस सिटिंग अरेंजमेंट मे बी मेड इन सच अ वे दैट टू स्टूडेंट सिटिंग साइड बाई साइड डू नॉट हैव द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो दो लोग जो अगल बगल बैठेंगे उनको सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, मतलब इस प्रकार से वो सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर द लर्नर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू राइट हिज आर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर पे आप लोग अपना रोल नंबर लिखिएगा। दोस्तों, इस बार ओएमआर सीट भरने में प्लीज़ आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि फिर आप लोगों को आगे यहाँ पर एनआईएस कोई ना कोई कड़ाई एक्शन ले लेगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग लास्ट बार सीख ही चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पर इस बार अच्छे से ओएमआर सीट को भरिएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्विजिलेटर टू चेक एंड इंश्योर दैट द फ्रंट ओएमआर सीट एंड फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर बुक इज करेक्टली फिल्ड बाय द लर्नर्स बिफोर पुटिंग हिज आर सिग्नेचर ऑन द आंसर बुक। तो ओएमआर सीट उनको भी चेक करने बोला जा रहा है और केयरफुल्ली भरने के लिए बोला जा रहा है। और उसके बाद जो बाकी सारा देखिएगा आप, वो सारा रूल सेम ही है और उसमें कुछ नया नहीं है। और जो अनफेयर रूल्स था वो है ही, आपका विड्रॉ क्या कहते हैं, रिजल्ट आपका विदहेल्ड पे चला जाएगा, रिजल्ट रुक जाएगा अगर आप वहाँ पर कोई भी चीटिंग में पकड़ाते हैं तो। बाकी हॉल टिकट वगैरह यहाँ पर देखिए आपका बहुत जल्द यहाँ पर अब आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर आपका जो
यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी जा चुका है और आपका आंसर शीट भी जा चुका है, तो हॉल टिकट आपको बहुत जल्द ही यहाँ पर अब अलॉट कर दिया जाएगा इसी वीक में। यहाँ पर 2-4-5 दिन के अंतर्गत आपको हॉल टिकट आ जाएगा, तो वो हॉल टिकट ले जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो हॉल टिकट ही आपका वहाँ पर चेक किया जाएगा, जैसे लिखा हुआ है, इन केस द लर्नर रीचेज द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट हॉल टिकट बट हिज हर नेम अपियर्स इन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल लर्नर्स, ही और सी मे बी परमिटेड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन हॉल प्रोविजनली सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ही और सी प्रोड्यूस वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो अगर आप मान लीजिए कि कोई हॉल टिकट भूल जाते हैं तो भी उनको एंट्री दे दिया जाएगा, अगर आप मतलब वहाँ पर लिस्ट में, उनके लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास आपका मान लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड ऐसा कोई प्रूफ है तो एंट्री दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोग हॉल टिकट आपका आ जाएगा। एनआईएस विल जनरेट द हॉल टिकट, दिस विल बी मेड अवेलेबल ऑन एनआईएस वेबसाइट एज वेल एज रीजनल सेंटर ऑफ एनआईएस एटलीस्ट 10 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। सो यहाँ पर देखिए 16 तारीख हो गया, 10 डेज बोल रहा है तो आज आ जाना चाहिए, जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे, अब आ जाता है कल आता है, तो इनका ऑफिशियल मतलब एक नियम है कि 10 दिन पहले का, लेकिन इस बार थोड़ा सा एबसेंट वाला भी इशू चल रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। तो यही सारी बातें हैं, बाकी चीज़ें आप केयर करिएगा, पहली बार सेमेस्टर में भी आपने देखा था, तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आप लोग, और आप लोगों को शॉर्ट नोट्स का PDF भी प्रोवाइड कर दिया गया है, और आप लोग अनअकैडमी से भी जो भी बचा हुआ है पढ़ लें, अगर आपको वहाँ पर समझने में अच्छा होता है तो जाके फिर से पढ़ लें। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, और बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, आगे और भी हम लोग जुड़े रहेंगे एग्ज़ाम हॉल से रिलेटेड, कुछ और आपको टिप्स हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं 1-2 दिन में, वो भी वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।